गुड इवनिंग एवरीवन। टुडे वी विल डिस्कस द रेस्ट क्वेश्चन आंसर पार्ट ऑफ द चैप्टर द क्लेवर क्राब। एक्टिविटी 7 यूज ऑफ टेंस। आज हम टेंस के यूज करेंगे। सिंपल प्रेजेंट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। वर्ब सिंपल प्रेजेंट में कैसे होता है? वर्ब का वर्ब वन फॉर्म होगा या फिर वर्ब वन प्लस एस और एस लगा होगा। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में वर्ब का क्या फॉर्म होता है? वर्ब वन फॉर्म लेता है, नहीं तो वर्ब वन के साथ एस और एस लगता है। यूजफुल टिप्स, यहाँ पे कुछ टिप्स दिया गया है। देखो, यूज्ड टू शो। वन नंबर है हैबिचुअल एक्शन, मतलब अभ्यासिक कार्य। तुम लोग कैसे जानोगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा? तो ये सब टिप्स है यहाँ पे, ये सब होने से वो सिंपल प्रेजेंट में होता है सेंटेंस। ठीक है, हैबिचुअल एक्शन मतलब मैंने बता दिया, अभ्यासिक कार्य। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब सार्वभौमिक सत्य। मैथमेटिकल ट्रूथ मतलब गणितीय सत्य। परमानेंट स्टेट और फैक्ट मतलब स्थाई तथ्य। जनरल ट्रूथ मतलब सामान्य सच्चाई। लॉ ऑफ नेचर मतलब प्रकृति का नियम। प्रोवर्ब्स और रिडिल्स मतलब कहावत और पहेलियाँ। और एक नंबर है साइंटिफिक ट्रूथ मतलब वैज्ञानिक सच्चाई। ये सब अगर होगा तो वो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में होगा। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन आंसर करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में जो वर्ब दिया गया है उसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा लिखना है हमें इस ब्लैंक्स में। ठीक है, तो ब्लैंक्स को फिल करना है इसका करेक्ट फॉर्म लिख के। आई नंबर है द सन डेज इन द ईस्ट, यहाँ पे है राइज। देखो, सूर्य पूर्व दिख में उगते हैं, तो ये प्रकृति का नियम है, मतलब ये लॉ ऑफ नेचर समझा रहा है। तो ये राइज से क्या होगा? राइजेस। ठीक है, आर आई एस ई एस, राइजेस। सन, द सन राइजेस इन द ईस्ट। टू आई, ही डेज बेड एट 6 AM, यहाँ पे है लीव। वो 6 बजे वो बेड छोड़ता है, तो यहाँ पे हैबिचुअल एक्शन को समझा रहा है। उसका हैबिट है वो 6 बजे उठना, तो क्या करेंगे सिंपल प्रेजेंट में करेंगे? तो सिंपल प्रेजेंट में पहले पढ़े थे कि वर्ब वन फॉर्म होगा या फिर वर्ब वन के साथ एस और ईएस लगेगा। तो यहाँ पे हम लिव है तो लिव्स लिखेंगे। ठीक है, ही लिव्स, एल ई ए वी ई एस, ही लिव्स बेड एट 6 AM। 3 I, ए रोलिंग स्टोन डेज नो मोस, यहाँ पे है गैदर। तो यहाँ पे गैदर का सही फॉर्म यहाँ पे लिखना है हमें, तो क्या लिखेंगे? इसका मतलब है अस्थिरता से कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये भी सिंपल प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पे गैदर से क्या करेंगे? गैदर्स, GATHERS, गैदर्स। ए रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस। IV, 5 + 5 = 10, यहाँ पे मेक है। मेक से क्या होगा? इसका सही फॉर्म यहाँ पे लिखेंगे मैक्स। 5 + 5 = 10,
MAKES, मैक्स। बी माई फादर डैश टी एवरी मॉर्निंग, यहाँ पे है सिप, तो सिप से क्या होगा, सिप्स मतलब मेरे पापा रोज सुबह चाय पीते हैं, तो सिप से होगा सिप्स, सिप मतलब घूंट, ठीक है, चाय का घूंट लेते हैं मेरे पापा सुबह, तो यहाँ पे SIPS लिखना है, सिप्स, माई फादर सिप्स टी एवरी मॉर्निंग। बी आई काउज डेज ऑन ग्रास, यहाँ पे है फीड, तो लिखेंगे काउज फीड ऑन ग्रास, यही फीड को लिखना है क्या, क्योंकि ये सब सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, ठीक है, तो यहाँ पे काउज है इसलिए यहाँ पे फीड लिखेंगे, फीड काउज फीड ऑन ग्रास। वीट वाई डेली डेज ऑन द यमुना, यहाँ पे स्टैंड है, तो स्टैंड से क्या होगा बच्चों, स्टैंड्स, डेली स्टैंड्स ऑन द यमुना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्टैंड्स, STANDS, स्टैंड्स, डेली स्टैंड्स ऑन द यमुना। V3I वाटर डेज एट 100 सेल्सियस, यहाँ पे है एवापोरेट, तो लिखेंगे वाटर एवापोरेट्स, वाटर एवापोरेट्स एट 100 सेल्सियस, तो यहाँ पे लिखना है एवापोरेट, या एवापोरेट मतलब बाष्प, तो यहाँ लिखेंगे EVAPORATES, वाटर एवापोरेट्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा में पानी बाष्प होता है।